इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। टोटल 26 वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं। अगर आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है तो उन सारे वीडियोस को आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखें। अब आने वाले वीडियोस में हम लोग जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स बहुत ही मजेदार और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आता है इसको पढ़ने में। और किसी भी चीज को पढ़ने में तब मजा आता है जब चीजें हमें समझ में आती हैं। और चीजें हमें समझ में कब आती हैं? जब उससे रिलेटेड जितने भी बेसिक टॉपिक्स हैं वो सभी हमें बहुत अच्छे से पता होता है। तो हम लोग आज बेसिकली इस वीडियो में देखेंगे ऑप्टिक्स से रिलेटेड कुछ बेसिक टॉपिक्स को, जिनका हमें जानना बहुत जरूरी है आगे के टॉपिक्स को समझने के लिए। तो नमस्कार, मेरा नाम रवि साहब है और स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल ट्यूटर फॉर यू लर्न टू लीड में। और ऑप्टिक्स के जिन बेसिक टॉपिक्स को हम लोग आज कवर करने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि लाइट क्या होता है। पूरा ऑप्टिक्स लाइट पे डिपेंडेंट है। तो लाइट क्या है सबसे पहले हम लोग वो जानेंगे। रे किसको बोलते हैं? रे ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट किसको बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स किसको बोलते हैं ये देखेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। और फिर हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये दोनों देखने के बाद हम लोग देखेंगे कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं लाइट के बारे में। लाइट क्या है? तो देखिए, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो विजुअल सेंसेशन को पैदा करता है। मतलब लाइट एक ऐसा मीडियम है जो हमें चीजों को देखने में हेल्प करता है। जैसे मार्कर, इस मार्कर को हम लोग देख पा रहे हैं। कैसे? इस पे लाइट आ रहा है, रिफ्लेक्ट होकर फिर हमारे आंखों तक पहुंच रहा है, तो हम लोग इस मार्कर को देख पा रहे हैं। इसीलिए जब अंधेरा रहता है, लाइट नहीं रहता, तो हमें कुछ भी चीज दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं दिखाई देती कोई भी चीज? क्योंकि लाइट तो है नहीं, तो रिफ्लेक्ट कुछ हो नहीं रहा है, हमारा आंखों तक लाइट पहुंच नहीं रहा है, तो देख नहीं पा रहे। तो लाइट एक ऐसा मीडियम है जो देखने में हमारी हेल्प करता है। और कुछ चीजें तो हमें पहले से ही पता है, जैसे कि जिस मटेरियल से लाइट हमें मिलता है उसको बोलते हैं सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। और लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है। हालांकि आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि ये पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है। लाइट जो है वो पूरी तरीके से स्ट्रेट लाइन को फॉलो नहीं करता है। जी हाँ, आगे चल के हम लोग इस चीज को देखेंगे। खैर, वो तो आने वाले वीडियोस की बात है, अभी तक फिलहाल हम लोग मान के चलते हैं कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करता है। ओके, चलिए अब देखते हैं रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट क्या है? देखिए, हम लोग जब अंधेरे कमरे में होते हैं, सपोज कि एक अंधेरा कमरा है, पूरा अंधेरा, कुछ नहीं दिख रहा है, दिन का टाइम है, बट उस कमरे में लाइट बिल्कुल नहीं आ रही, तो एकदम अंधेरा है। फिर हम लोग देखते हैं कि विंडो में एक छेद है, उस छेद से कुछ लाइट अंदर आ रहा है। तो देखिएगा, वो लाइट एकदम ऐसे सीधा दिखेगा आपको, ठीक है। तो हमें क्या दिखता है? लाइट दिखता है? जी नहीं, लाइट हम लोग को नहीं दिखता है। लाइट की वजह से चीजें दिखती हैं, लाइट हमें नहीं दिखता है। तो हमें जो अंदर आता हुआ दिखता है वो क्या है? वो लाइट का पाथ है, यानी लाइट का रास्ता है। जिस रास्ते से होकर लाइट एंटर कर रहा है वो रास्ता हमें दिखता है। तो यही जो रास्ता है ना, यानी किसी लाइट के आने का जो पाथ होता है, उसी पाथ को हम लोग बोलते हैं रे ऑफ लाइट। तो देखिए, जैसे सपोज कि ये एक सोर्स ऑफ लाइट है, ये एक बल्ब हम लोग ले लिए, ठीक है। यहां से क्या होगा? यहां से ढेर सारा लाइट निकलेगा। तो ये जो लाइट है वो क्या करेगा? वो एक पाथ को फॉलो करते हुए वो निकलेगा। जिस पाथ को वो फॉलो करता है उसी पाथ को हम लोग बोलते हैं रे ऑफ लाइट। तो रे ऑफ लाइट बेसिकली ये दिखाने के लिए होता है कि लाइट कहां से कहां जा रहा है। तो ये जो एरो होता है, जो टिप होता है, टिप ऑफ द एरो होता है, वो बताता है कि लाइट किस तरफ से किस तरफ मूव कर रहा है। तो बस हम लोग लाइट का यूज करते हैं, माफ कीजिएगा, हम लोग रे का यूज करते हैं लाइट के पाथ को दिखाने के लिए, ठीक है। चलिए, अब आता है बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट क्या है? तो एक ग्रुप ऑफ रेज है, बहुत सारा रेज जब एक साथ आता है ना ग्रुप में, तो उसको हम लोग बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। ये है हमारा बीम ऑफ लाइट। तो ये एक्चुअली क्या होता है? ये होता है ग्रुप ऑफ
रेज। तो ये बहुत सारे रेज का क्या होता है, एक ग्रुप होता है। ओके, तो जब भी कोई बीम बोले, बीम ऑफ लाइट, तो समझ जाएंगे कि बहुत सारा रे ऑफ लाइट है। ठीक है। अच्छा, ये बीम ऑफ लाइट है वो दो तरह का होता है, एक है कन्वर्जेंट, दूसरा है डाइवर्जेंट। अब ये क्या होता है एक बार समझ लेते हैं। देखिए, जब अलग अलग डायरेक्शन से, बहुत सारे जगहों से आकर के बहुत सारा रे ऑफ लाइट किसी एक पॉइंट पे आकर के मिलता है, देखिए अलग अलग जगह से आया है या एक ही जगह से ही, फैलता हुआ जब रे ऑफ लाइट आकर के एक पॉइंट पे कंसंट्रेट हो जाता है, किसी एक पॉइंट पे आकर के मिलता है, तो इस तरह के बीम ऑफ लाइट को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। और ठीक इसका उल्टा, जब किसी पॉइंट सोर्स से, जब कोई पॉइंट सोर्स से लाइट बाहर निकल के फैलने लगता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो अभी तक हम लोग क्या देखे हैं, सबसे पहले तो हम लोग जाने कि लाइट क्या है, फिर देखेंगे रे ऑफ लाइट क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखे हैं कि बीम ऑफ लाइट क्या है, और ये कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या है, ये देखें। बहुत इजी ये टॉपिक था। अब आगे बढ़ते हैं, वो भी इजी वाला ही टॉपिक है, जो कि है ट्रांसपेरेंट ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट मटेरियल। देखिए, कोई अगर कांच है, ठीक है, या साफ पानी है, तो हमें उसके आर पार एकदम क्लियरली दिखता है, एकदम क्लियर दिखता है। ठीक, तो ऐसे मटेरियल्स को बोलेंगे हम लोग ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, जिसके आर पार हम लोग आराम से देख पाए, एकदम साफ साफ। ओके, अब आता है ओपेक। जैसे ये डस्टर है, इस डस्टर को अगर आंख क्या के लगा दिया जाए, तो क्या हम लोग कुछ देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि लाइट इसके अंदर से पास नहीं होता है, क्लियरली पास नहीं हो रहा है, क्लियरली क्या, बिल्कुल भी पास नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ओपेक मटेरियल। ये क्या है? ओपेक है। तो लाइट अगर पूरा का पूरा पास कर जाए आराम से, तो वो होगा ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल भी पास ना कर पाए तो वो होगा ओपेक मटेरियल। ट्रांसलूसेंट किसको बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट मटेरियल का मतलब होता है लाइट तो आराम से पास कर जा रहा है, बट वो क्लियर नहीं होगा, बट वो क्लियर नहीं दिखेगा। जैसे जैसे कि कांच है, उसमें अगर वाटर वेपर अगर लग जाए, कोई वेपर अगर हो, मतलब कोई भी चीज जो ब्लर है, कोई भी मीडियम जो ब्लर दिखता हो, वो है ट्रांसलूसेंट मटेरियल। मतलब ट्रांसपेरेंट तो है लेकिन क्लियर नहीं है, आर पार तो लाइट जा रहा है लेकिन हमें कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा है, तो वो हो जाएगा हमारा ट्रांसलूसेंट मटेरियल। घिसा हुआ कांच कह सकते हैं, कांच को बहुत ज्यादा घिस देंगे तो उससे हमें क्या होगा, आप पर हमें जो है वो क्लियरली नहीं दिखेगा, ठीक है, ब्लर दिखेगा, सब कुछ ब्लर आएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसलूसेंट मटेरियल। अच्छा, जो लोग, जो मेरे छोटे भाई बहन या फिर बड़े भाई बहन जो भी हैं, जो लोग स्पेक्टिकल्स पहनते हैं, चश्मा लगाते हैं, उनके साथ एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होता है, और वो ये है कि जब भी वो लोग एसी रूम्स के अंदर या एसी कैब में जब बैठे रहते हैं और जब बाहर वो निकलते हैं, तो उनका जो दोनों जो ग्लास है, उसका चश्मे का जो दोनों ग्लास है, वो क्या होता है, वो पूरा ब्लर हो जाता है। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी चश्मा पहनते हैं, उन्हें पता होगा कि कितना प्रॉब्लम होता है स्पेक्टिकल्स के साथ एसी रूम से नॉन एसी रूम में जाने में। चलिए अब देख लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ, ये थोड़ा समझने वाला चीज है, अभी तक जो भी हम लोग पढ़ रहे थे वो बहुत इजी था, बच्चों वाला। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बच्चों वाला चीज ही है, लेकिन थोड़ा समझने वाला चीज है। देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मटेरियल का किसको बोलते हैं, एक बात बताइए। ये एयर है, एयर से चल के एक लाइट ग्लास में एंटर कर रहा है, ये ग्लास है, तो बताइए आप स्पीड ऑफ लाइट जितना एयर में था, क्या ग्लास के अंदर भी उतने स्पीड से लाइट मूव कर पाएगा? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो कांच है वो ज्यादा डेंस है ना, तो उसके अंदर जब भी लाइट एंटर करेगा तो क्या होगा, तो उसका जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाएगा, है ना, वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। अब क्वेश्चन उठता है कि कितना स्लो होगा, इसी कंपैरिजन को हम लोग
फाइंड आउट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हेल्प से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली क्या बोलता है, देखिए सपोज कि वैक्यूम है बाहर या एयर है, तो हमको पता है कि वैक्यूम या एयर में लाइट का स्पीड कितना होता है, वो होता है सी, ठीक है, दैट मीन्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ओके, ये होता है इसका स्पीड। तो सपोज कि सी जो स्पीड ऑफ लाइट है उसका सपोज क्या बिल्कुल होता है। अब सपोज करते हैं कि इस मटेरियल के अंदर यानी इस ग्लास के अंदर जब वो लाइट एंटर किया तो उसका वेलोसिटी हो गया v, तो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमें मिलेगा c by v, ठीक है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स c और v के रेशियो को बोलते हैं, दैट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मटेरियल, ठीक है। तो किसी मटेरियल का अगर हम लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम से उस मटेरियल के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको डिवाइड कर देंगे, तो हमें यहां से मिल जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। सो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट ऑन दैट मटेरियल, ठीक है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मटेरियल, ओके। चलो आप नोट कर लो इसे फटाफट, ओके। अब देखेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव नाम से ही समझ में आ रहा है, वो रिलेटिव वो चाचा भतीजा वाला नहीं रिलेटिव नाम से ही समझ में आ रहा है कि दो मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर करके जो हमें मिलेगा वो है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सपोज कि दो मटेरियल हमने लिया है, एक मटेरियल ए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू ए और एक है मटेरियल बी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू बी, ओके। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको बोलेंगे, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे ए टू बी, म्यू ए टू बी इक्वल टू हो जाएगा म्यू ए बाय म्यू बी। अब लोग म्यू ए के प्लेस में क्या ले सकते हैं, म्यू के प्लेस में ले सकते हैं सी बाय वी ए, यहां सी क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और वी ए क्या है, वी है इस मटेरियल ए के अंदर स्पीड ऑफ लाइट, उसी तरह म्यू बी की जगह सी बाय वी बी, ओके। ये सी सी हो गया कैंसिल, तो ये हमें यहां से मिलेगा वी बी बाय वी ए, यानी हम लोग कह सकते हैं कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट के वेलोसिटी के रेशियो को, ओके, कि एक मटेरियल में कितना स्पीड ऑफ लाइट है और दूसरे मटेरियल में कितना स्पीड ऑफ लाइट है, दोनों को कंपेयर कर लेंगे तो हमें मिलेगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। तो चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं अब आगे वाले टॉपिक जो कि है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेंगे एक प्लेन सरफेस को। देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसको बोलते हैं, जब भी एक मीडियम से चलकर कोई भी रे ऑफ लाइट इस प्लेन सरफेस में स्ट्राइक करेगा टकराएगा तो क्या होगा, तो वो कुछ रूल्स को फॉलो करता हुआ वापस लौट जाएगा, इस फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो व्हेनेवर अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एनी मीडियम स्ट्राइक्स ऑन अ प्लेन सरफेस देन इट बाउंस बैक बाय फॉलोइंग सम रूल्स, दिस फेनोमेनन इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में हम देख लेते हैं पहले। सबसे पहले तो जो रे ऑफ लाइट आ रहा है, जब वो आ रहा है स्ट्राइक करने से पहले तक, इसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे। और जब वो स्ट्राइक करने के बाद वो वापस लौट रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे। ओके, अच्छा, जिस पॉइंट पे आकर के वो स्ट्राइक कर रहा है उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम लोग एक
परपेंडिकुलर खींच लेंगे, यानी कि 90 डिग्री का 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ एक हम लोग लाइन खींच लेंगे। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। अब नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं आई, आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा उसको हम लोग बोलेंगे स्मॉल आर, स्मॉल आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, और जिस प्लेन सरफेस पे ये पूरा फिनोमेनन हो रहा है उस प्लेन सरफेस को बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस और रिफ्लेक्टिंग प्लेन कुछ भी बोल सकते हैं। सो बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसको बोलेंगे, कोई भी रे ऑफ लाइट जब आकर के किसी प्लेन सरफेस पे टकराएगा तो वो क्या होगा, कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए वापस चला जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम को हम लोग कह रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये जो रूल्स की मैं बात कर रहा हूं कि कुछ रूल्स को फॉलो करता हुआ चला जाएगा, वो रूल्स क्या है, वो रूल्स हैं, सबसे पहला जो रूल है वो है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ड्रॉन ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई ऑन द सेम प्लेन। तो ये जो तीनों देख पा रहे हैं हम लोग, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों हम लोग को एक ही प्लेन में दिखेगा, एक ही जगह एक ही प्लेन में ये तीनों चीज होगा। ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट रे यहां होगा तो नॉर्मल हम लोग किसी और प्लेन में कहीं और जाकर के ड्रॉ करेंगे, ऐसा नहीं है। तीनों हमें एक ही प्लेन में ही मिलेगा। ये पहला लॉ है जो कि बहुत ही सिंपल सा है। सेकेंड लॉ तो और भी सिंपल है। सेकेंड लॉ है आई इक्वल टू आर, मतलब द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होता है। मतलब नॉर्मल के साथ एंगल बनाते हुए अगर कोई रे 45 डिग्री का एंगल बनाता है तो वो फिर नॉर्मल के साथ 45 डिग्री का ही एंगल बनाते हुए वापस लौटेगा। 30 डिग्री का अगर एंगल बनाता है तो 30 डिग्री का एंगल ही बनाते हुए वो वापस लौटेगा। अगर 0 डिग्री का एंगल बनाता है तो मतलब अगर कोई लाइट अगर परपेंडिकुलर अगर स्ट्राइक करता है तो परपेंडिकुलर ही स्ट्राइक करके वापस चला जाएगा, ठीक है। तो खैर, तो ये था हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो एक बार क्या है मैं दोबारा जरा बता दूं कि यहां पर कौन कौन से टर्म क्या क्या है। सबसे पहले तो जो रे आ रहा है वो इंसिडेंट रे है, वापस आ रहा है वो रिफ्लेक्टेड रे, जो हम लोग जहां पे वो स्ट्राइक कर रहा है वो हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जो नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं वहां पर, मतलब एक परपेंडिकुलर से ड्रॉ कर रहे हैं उसको बोलेंगे नॉर्मल। नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाएगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाएगा नॉर्मल के साथ वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जिस प्लेन पे ये सारा फिनोमेनन हो रहा है उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो है, सबसे पहला तो लॉ है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ड्रॉन ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई ऑन द सेम प्लेन, तीनों के तीनों सेम प्लेन में होगा। और सेकेंड है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए अब देखते हैं हम लोग फटाफट टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए, चलिए इस पर बनाते हैं। ये प्लेन सरफेस है, जो ऐसे इंसिडेंट हुआ वो उसी तरह जाएगा। तो देखिए हो क्या रहा है, रे आ रहा है आराम से और आराम से जा रहा है क्योंकि ये प्लेन सरफेस है, ठीक है।
अब एक बार इसको देखते हैं, जो रे ऑफ लाइट यहां इंसिडेंट होगा वो इस तरफ भाग जाएगा, जो यहां इंसिडेंट होगा वो ऐसे जाएगा, जो रे ऑफ लाइट यहां इंसिडेंट होगा वो ऐसे भाग जाएगा, जो यहां होगा वो ऐसे, ठीक है ना। तो कोई भी हम लोग एक पैटर्न नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है ना, कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। अगर हम लोग सीधे लफ्जों में कहें तो ये क्या हो रहा, पूरा छिटक जा रहा है यहां वहां, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जहां पर एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो करता है वो है रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और जहां पर कोई पैटर्न फॉलो नहीं करता वो है इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप एक काम बचपन में जरूर किए होंगे, वो धूप में मिरर को चमकाना, मिरर रहता है उसको लोग धूप में चमकाते हैं, कभी वो घड़ी वाला या कुछ भी आप चमकाए जरूर होंगे, तो पता क्या है, पूरा का पूरा लाइट है वो क्या होता है, आकर के वो वापस लौट जाता है, ठीक है ना। और इरेगुलर हमें कहां मिलता है देखने को, इरेगुलर हमें देखने को मिलता है हमारे घर के सारे चीजों पे, दीवार पे, विंडो पे, हर जगह, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो लाइट है वो इधर उधर छिटकता रहता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं दिन में हम लोग सारी चीजों को देख पाते हैं, ठीक है। अगर सिर्फ रेगुलर अगर होता, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अगर हर जगह होता, सब कुछ अगर प्लेन सरफेस होता तो क्या होता, सन से रे आता और फिर पूरा का पूरा रे वापस चला जाता, हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, ठीक है। कहीं कहीं इतना ज्यादा होता रोशनी, कहीं कहीं रोशनी ही नहीं होता। लेकिन देखिए हमारे हमारे घर के अंदर डायरेक्ट जो है वो सनलाइट नहीं आता है, विंडो के थ्रू क्या होता है, यहां वहां से वो छिटक के विंडो के अंदर वो सारा जो रे ऑफ लाइट है वो एंटर करता है और सारी चीजों को हम लोग देख पाते हैं। तो सभी चीजों को हम लोग देख पाते हैं क्योंकि इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता तो क्या होता, सबका सब बाउंस बैक कर जाता तुरंत, है ना। चलिए अब देखते हैं इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है वो जरा हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले इमेज क्या है, आप लोग इतने भोले तो नहीं होगा, आप लोगों को पता ना हो कि इमेज क्या होता है, राइट। जब भी हम लोग मिरर के अंदर देखते हैं तो हमारे जैसा ही कोई शेप अंदर मिलता है जो है हमारा इमेज। वाओ कितनी नई बात कह दी मैंने, बताया नहीं था। चलिए तो इमेज कैसे बनता है वो देख लेते हैं। तो एक मिरर को हमने ऐसे सुला दिया है, ठीक है, और हम लोग यहां पे एक बॉडी को रख दिए हैं, ये एक बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी से चल के रे ऑफ लाइट आएगा ऐसे ऐसे, ढेरों लाइट्स आएंगे, मैंने सिर्फ दो को ही कंसीडर किया है, होगा क्या, ये बाउंस बैक करेगा, ठीक है, ठीक। ये जब हम लोग की आंखों पे यहां पड़ेगा, ठीक है, बहुत खूबसूरत आंख में यहां पे बना रहा हूं, बहुत ब्यूटीफुल है ये, देख लीजिए आप, ओह माय गॉड, ऐसे आंखों पे तो चार लोग जान देते हैं अपनी डर के बारे। चलिए तो हमारे आंखों पर जब भी पड़ता है तो हमारा आंख कैपेबल नहीं है इस वी शेप पाथ को समझने के लिए, ठीक है ना। हमारा आंख ये चीज समझ नहीं पाता है कि ये लाइट ऐसे आकर के ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। हमारी आंखों को क्या लगता है, हमारी आंखों को लगता है कि वो जो मटेरियल है ना वो यहां पे है, ठीक है। तो हमें हमारी आंखों को धोखा होता है कि वो चीज यहां है, जबकि होता वो यहां पे है। तो इस तरह से बनता है इमेज। होता क्या है, रे ऑफ लाइट चल के आता है और टकरा के हमारी आंखों पे पड़ता है और हमें लगता है कि वो यहां पे है, तो वो इमेज बन जाता है इधर, ठीक है। तो ये थे कुछ बेसिक टॉपिक्स जिसको मैंने कवर किया। सबसे पहले हमने देखा कि लाइट क्या है, उसके बाद हमने देखा कि रे ऑफ लाइट क्या है, उसके बाद हमने देखा बीम ऑफ लाइट क्या है और कितने टाइप का होता है, कन्वर्जन और डाइवर्जन था। जब एक पॉइंट सोर्सेस से इधर उधर जब छिटक रहा होता लाइट तो वो हो जाता है डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट,
और जब बहुत जगह से आकर के एक पॉइंट पे लाइट्स मिल रहा होता है रे ऑफ लाइट, तो उसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। उसके बाद हमने देखा ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट। जिसके आर पार आराम से दिखे वो ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार बिल्कुल नहीं दिखे वो ओपेक मटेरियल, और जिसके आर पार धुंधला धुंधला दिखे, क्लियर ना दिखे, ब्लर दिखे पूरा, वो हो गया ट्रांसलूसेंट मटेरियल। फिर हमने देखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या, किसी मटेरियल का अगर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर पता करना हो तो स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम में होता है उससे उस मटेरियल के अंदर स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग डिवाइड कर देंगे, हमें पता चल जाएगा। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हम लोग रेशियो को अगर निकालने हैं तो हमें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाता है। उसके बाद हमने देखा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, तो अभी मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट एक जगह से चल के आता है, एक मीडियम से चल के आकर के अगर किसी प्लेन सरफेस पे टकराता है तो वो वापस कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए चला जाता है, और वो रूल्स क्या क्या है वो भी हमने देख लिया। फिर हमने देखा कि टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, वो हमने देख लिया। उसके बाद हमने देखा कि इमेज फॉर्म कैसे होता है, किसी मिरर के अंदर इमेज कैसे फॉर्म होता है वो हमने देख लिया। तो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया ऑप्टिक्स से रिलेटेड कुछ बेसिक टॉपिक्स को। ये सारे टॉपिक्स बहुत इजी थे, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे टॉपिक्स समझ में आ गए होंगे। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को आप जल्दी से लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, बाकी लोगों में भी इस वीडियो को आप शेयर करिए ताकि बाकी लोगों का भी रिवीजन बहुत अच्छे से हो सके। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो या फिर कोई सजेशन हो तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और भी ज्यादा हेल्प चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे हमें कॉन्टेक्ट करिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और पास का ऑल ऑप्शन भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। ऐसे ही यूजफुल वीडियोस आप तक हम पहुंचाते रहते हैं। फिलहाल अभी फिजिक्स के वीडियोस ही आ रहे हैं, आगे चल के बाकी सब्जेक्ट्स के भी वीडियोस में प्रोवाइड करूंगा, अलग अलग फैकल्टीज अलग अलग सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो ऐसा हम लोग तब कर पाएंगे जब आप हमारा साथ दें, आप हमारा सपोर्ट करें। चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में आप हमारा हेल्प करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर करिए और उन्हें सब्सक्राइब करने को कहिए। इस वीडियो को अपने अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आगे की वीडियोस भी आप जरूर देखते रहेंगे। तो इसी के साथ अब मैं विदा लेता हूं, मिलूंगा आपसे किसी अगले यूजफुल वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।